Bye. हाँ तो दोस्त, देखो कहते हैं ना, गाड़ी लेना आसान है लेकिन गाड़ी पालना मुश्किल। तो देखो अभी तुम्हें दिखाते हैं क्या हुआ है हमारे साथ। ये हमारे नए टायर हैं MRF के, और ये देखिए ये क्या है, इतनी बड़ी कील यहाँ पे। अब इस वजह से पूरा फ्लैट टायर हो गया है। अब मुझे इसमें दो ऑप्शन थे, या तो मैं इसमें वो जो आती है रबर टाइप की वो लगा दूँ, उससे काम हो जाए, बट नया टायर है इसलिए वो लगाऊंगा नहीं। अब मैं इसको टायर को खुलवाऊंगा और वो जो पका हुआ पका के लगाते हैं कुछ सिस्टम होता है वो मैं आपको दिखाऊंगा होता क्या है। टायर में पूरा खोल के गर्म करके पूरा लेयर फिर लगाते हैं, और कुछ ऐसा मैं भी करूँगा इसमें, दिखाता हूँ आपको। बड़ा मेहनत का काम हो गया यार मेरे लिए, तो चलो शुरू करते हैं। ये सही, ये पुराना ही टायर है, चार टायर नए लगे थे MRF के। ये कुमाऊ का है जो कंपनी फिटेड आता है। Thousand years later. भाई हिल ही नहीं रहा यार ये, सोचो इतनी दम लगा रहे तब भी। ओ भाई पट से आवाज आई। हाँ तो दोस्त, टायर खोलने की नाकाम कोशिश करने के बाद भाई साहब इतने ज़्यादा बोल टाइट थे, उसके बाद मैंने यही प्लान किया कि मैं अभी हवा भर लूँगा और ऐसे ही गाड़ी को मैं जहाँ पंक्चर बनता है वहाँ ले जाऊँगा, वहीं खुलवाऊँगा, वहीं बनवाऊँगा, क्योंकि अब मेरे से नहीं खुल रहा था, बहुत ज़्यादा टाइट है, क्योंकि रस्टिंग वगैरह हो चुकी है काफ़ी। ये जुगाड़ मैंने उदयपुर जाने से पहले लिया था और आज काम आ रहा है। क्या जुगाड़ तो नहीं बोलेंगे, ये रेस्क्यू टेक का टायर इन्फ्लेटर है, काफ़ी काम की चीज़ है। देखो 5 मिनट में लगभग टायर फुल कर देगा। तो इसके बाद गाड़ी ऑन है, मैंने उस पॉइंट से जोड़ा है, दिखा देता हूँ आपको। ये देखो इस पॉइंट से जोड़ा है, पूरा वायर लंबा है, चल रहा है। ये सब है काम चलो चीज़ें, आप इस पर रिलाई नहीं कर सकते हो कम्प्लीटली। चलिए दोस्त आगे मिलते हैं। आज बहुत दिनों बाद क्रेटा चला रहा हूँ मैं। तो भाई सीन ऐसा है, अभी हम इंजीनियरिंग कॉलेज आ गए हैं और जाम में फंसे हुए हैं। जाम नहीं बोलेंगे, ट्रैफिक है। जस्ट में पहुंचा, निकल सकता था लेकिन उसने निकलने नहीं दिया। कोई बात नहीं, खड़े रहते हैं। ढलान पे आपको एक शॉर्ट टिप देता हूँ। जैसे अभी मैं ढलान पे खड़ा हूँ और मैंने हैंड ब्रेक लगा रखी है और कुछ भी नहीं पैर से मैंने पकड़ा, न क्लच एक्सेलेटर न ब्रेक। खैर मैं आ गया हूँ टायर वाली की दुकान के पास, देखते हैं कि कहाँ बनेगा। आई होप कि यहाँ पर हो। तो भाई साहब टायर तो निकल चुका है, ये देखो। अब आगे चलते हैं, देखते हैं। ये रहा टायर, इसमें दो कीलें घुसी हुई हैं, अभी एक ही पता था दो घुसी है, तब दोनों ही बनवाएंगे खुलवा के। और ये बहुत ही बेसिक कॉमन प्रोसेस है जहाँ पे टायर को रिम से अलग किया जा रहा है, ये बेसिकली सभी लोग जानते होंगे। दो जगह लगी है और यहाँ पे भैया अपना काम करने के लिए वुडन स्टिक के द्वारा स्पेस बना रहे हैं टायर के अंदर। ताप लगी है ये। तो अब यहाँ पे देख सकते हो भैया ने एक ब्लेड ली है और उससे जहाँ पे पंचर था उस पोर्शन पे काफी रफ सरफेस बना रहे हैं, खुरच रहे हैं, जिससे आगे चल के वहाँ पे पैच को चिपका सकें। तो भाई पैच लगता हुआ यहाँ पे। अब यहाँ पे भैया सी टाइप का बॉन्ड या फिर क्या कह सकते हैं वो यहाँ पे लगा रहे हैं, जो कि आगे चल के काफ़ी हार्ड हो जाता है और इसी के ऊपर वो पैच लगाएंगे।
भैया ने यहाँ पे एक स्टिकर टाइप का छोटा सा पैच लिया है जिसको वो यहाँ पे चिपका देते हैं और काफ़ी ज़ोर से प्रेस करते हैं जिससे वो अच्छे से चिपक जाए ताकि आगे चल के कोई भी एयर लीकेज ना हो। ये देखिए अब यहाँ पे देख सकते हो भैया ने किसी टाइप का स्टिकी टेप ले रखा है, डबल साइडेड टेप है लेकिन ये रबर का है। अभी आप देखिएगा इसको कैसे ये फोल्ड कर रहे हैं, एक मतलब छोटा सा पैच टाइप का बनाएंगे ये। उसके बाद इन्होंने दोनों साइड के पूरा टेप निकाल के अब जहाँ पे वो पैच लगाया था उस पोर्शन पे ये स्टिक करेंगे बीच में और उसको कस के प्रेस करेंगे जिससे वो फैल जाएगा। बहुत मतलब फ्लेक्सिबल टाइप का था ये, तो ये पूरा फैल जाता है और फिर एक नेल से जो उस कील टाइप की होती है उससे काफ़ी प्रेस करते हैं, फैला देते हैं उस जगह पे जॉइंट पे जिससे कहीं से भी ओपन ना हो जगह और कोई लीकेज ना हो। यहाँ पे देखिए कैसे वो पूरा दबा दिया है, जो पैच था वो ऊपर लोगो टाइप का लगा था, पैच पूरा ढक गया और उसके साइड साइड में पूरा टेप इन्होंने दबा दिया है। और अब जैसा कि आप देख सकते हो भैया ने टायर को उठाया और ये इनकी एक मैनुअल प्रेस टाइप की मशीन है और इसको अलाइन करते हैं जहाँ पे पंचर था उस जगह पे अलाइन करके इसको सेट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो अलाइन किया था, उसके बाद एक ऊपर पे ये पतली सी मेटल की शीट होती है इसी के ऊपर हॉट आयरन प्लेट रखेंगे जिसकी वजह से टायर नहीं जलता है, इसीलिए ये प्लेट लगाई जाती है। अब ये देखिए यहाँ पे ये आयरन प्लेट थी, इसको उठाया, इसमें ऑयल डाला था बीच में मोबो ऑयल जिससे कि मतलब थोड़ा सा लुब्रिकेशन है, उसके बाद बहुत ज़ोर से प्रेस कर देते हैं जिसकी वजह से जो नीचे जितना भी पैच ग्लू सब कुछ लगा था वो सब मेल्ट होके एक दूसरे से मिल जाता है और सॉलिडिफाई हो जाता है थोड़ी देर बाद जब ओपन करके रखते हैं। तो दोस्त यही सिंपल सी एक पक्का पंचर की रेसिपी है, बेसिकली आप लोग को इसी तरह से पंचर बनवाना चाहिए। हाँ ये कॉस्टली होता है, दो पंचर का मुझे 450 रुपये पे करना पड़ा था, बट ये आपकी टायर की लाइफ को बहुत लंबा रखता है। जो बत्ती वाले पंचर होते हैं रबर वाले वो इतना लाइफ नहीं मेंटेन करते हैं।